जस्टिफाई का यूज क्यों किया जाता है? देखिए, हालांकि 2019 से पहले हम लोग जस्टिफाई का यूज बहुत करते थे, पर 2019 में एक फॉर्मूला आ गया जिस कारण से जस्टिफाई का यूज हमको बंद कर दिया। जैसे मान लीजिए आपका दिख रहा है पूजा, मोहन, कविता, इस तरह की लिस्ट ऑफ नेम है, मुझे सारे नाम को कॉमा के साथ यही पे आपको लिखना है किस तरह से। तो इसलिए जनरली लोग कॉन्केटनेट का फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन कॉन्केटनेट में हम एक पूरी की पूरी सीरीज को सिलेक्ट नहीं कर सकते, वन बाय वन हमें करना पड़ता है। तो आप क्या करें, कॉलम को ब्राक लें और अपने डेटा को सिलेक्ट करें और यहां फिल के अंदर जस्टिफाई, आप जस्टिफाई को क्लिक करें। ये आपका देखिए आ गया। अब जस्टिफाई का मतलब ये नहीं है कि एक कॉलम में डाल देता हूं, कॉलम के साइज के अकॉर्डिंग डालता है। कॉलम के साइज मैंने बड़ा कर दिया, अब मैं यहां पे करता हूं जस्टिफाई। देखिए, तो जितना बड़ा कॉलम होगा वो आएगा, अदरवाइज नेक्स्ट कॉलम में कर देगा। वापस आपको हटाना भी है तो सेम सिलेक्ट करें और यहां पे आप जस्टिफाई कर दें, ये आपको अलग अलग कॉलम में कर देगा। लेकिन इसके लिए कॉन्केट और टेक्स्ट ज्वाइन जैसे फॉर्मूले आ गए हैं तो इसकी यूज नहीं होगा।